सड़क हादसे में मृत हुए युवक और गंभीर रूप से घायल युवकों को 50 लाख रुपए की राशि मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर रहवासियों और परिजनों ने धमधम मार्ग पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। बीती रविवार रात सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवकों को एक चार पहिया वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद इस दर्दनाक दुर्घटना में एक युवक वार्ड 17 शांतिनगर निवासी दुर्गेश यादव की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। शीतलेश चंद्राकर शांतिनगर निवासी आईसीयू में भर्ती है तो मनीष चंद्राकर निवासी भिभौरी जिला बेमेतरा की पैर की हड्डी तीन जगह से टूट गई है, जिसका उपचार जारी है। इसी कड़ी में आक्रोशित वार्ड वासी और परिजनों ने मृतक और घायलों को बेहतर उपचार के साथ 50 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर करीब 1.5 घंटे तक धमधा मुख्य मार्ग को बाधित कर सड़क जाम रखा और जमकर नारेबाजी भी की और प्रदर्शन किया। इस मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम ने लोगों से चर्चा कर बाधित मार्ग को खुलवाया और उचित मुआवजा दिए जाने की बातें कही। इस संबंध में मीडिया से मृतक और घायलों के परिजनों और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कल रात के लगभग 2 बजे मोटर बाइक में और कार के साथ टक्कर हुई थी, जिसमें लगभग एक जो युवक थे उसकी मृत्यु हो गई। उसको लेकर के लगभग चक्का जाम यहाँ पर करने की स्थिति में थे, क्योंकि चक्का जाम हो रही थी तो रोड को डाइवर्ट किया गया था और उनके लिए उन लोग घोषणा कर की मांग कर रहे थे कि 50 लाख दिया जाए, क्योंकि प्रावधान उतना है नहीं। तो जितना प्रावधान है शासन के प्रावधान अनुसार, यदि कोई सड़क दुर्घटना किसी की मृत्यु होती है तो जो निर्धारित राशि है उसको दिया जा रहा है। हाँ, चूँकि रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा था, पाइपलाइन बिछ रही थी और उसमें अंडर कंस्ट्रक्टेड है और वहाँ पर बोर्ड भी टंगा हुआ था, जिसमें चूँकि रोड क्लोज है करके जो बोर्ड है सूचना पटल, तो ये हमारी भी जवाबदारी बनती है कि हम उस रोड पर चल रहे, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए हमें भी जाना चाहिए। अब चूँकि ये रात की घटना थी और उन लोगों के द्वारा आ रहे थे कि अभी लाइट भी थोड़ा ऐसी थी, तो उसके लिए बोला गया लाइट वगैरह यदि कहीं पर बंद है तो उसको प्रॉपर चेक करें, और चूंकि रोड का वो था 3 दिन तक का था तो आज हटवा दिया गया है, तो दोनों साइड ओपन हो गया है रोड। सहमति इन लोगों का ये बोल रहा था कि इलाज जो चल रहा है उसका इलाज अच्छे से कराया जाए, तो जिसमें शासन ने निर्देश हॉस्पिटल को भी निर्देश किया गया सीएमएचओ के माध्यम से कि इसको प्रॉपर इलाज बहुत अच्छे से किया जा करके, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है और चूंकि शासन ने प्रावधान है, मतलब हमारे पास आयुष्मान कार्ड और अन्य माध्यम है, यदि नहीं चलता तो बाकी तरीके भी और कराया जाएगा उनका इलाज। ये कहा है धमधा रोड मोर्चा पॉइंट के पास आज रात में वार्ड क्रमांक 17 शांति नगर के तीन बच्चे अपने एक परिवार को स्टेशन छोड़कर के घर वापस आ रहा था। धमधा रोड के तरफ से एक कार आ रहा था, वहाँ पे सिंगल अमृत मिशन के तहत पाइपलाइन लगाया गया है जिससे गड्ढा खोद दिया गया, उसमें बैरिकेड लगाया है जिसके कारण वहाँ सिंगल रोड से गुजरना पड़ता है। ये लड़के लोग इधर से धमधा रोड के तरफ दुर्ग के तरफ से जा रहा था, धमधा रोड के तरफ से गाड़ी आ रहा था, दोनों एक दूसरे में टकराया, एक लड़का मृत्यु हो चुकी है, एक वेंटिलेटर में है जिसका को हालत बहुत नाजुक है, एक लड़का का पैर तीन जगह टूटा हुआ है, वहाँ पे एक भी स्ट्रीट लाइट चालू नहीं है, जिसके कारण से प्रशासनिक लापरवाही के कारण से आज इतना बड़े घटना घटी है। हमने इन परिवार के लिए, मृत परिवार के लिए 50 लाख रुपया, वेंटिलेटर में उसके लिए 50 लाख रुपया और घायल परिवार के लिए 25 लाख रुपया का मांग कर रहे हैं। अगर नहीं देता है तो हमारे पूरे जनता को लेकर के हम अभी धमधा रोड पुलिस चौकी के पास 100 को लेकर के चक्का जाम करने जा रहे हैं। 11:30-12 बजे की रात की बात है ये, जहाँ दुर्घटना हुआ है, जो एक्सीडेंट हुआ है, तो अभी कोई घोषणा नहीं की इन लोग, कोई यहाँ घोषणा नहीं किया है, प्रशासन तौरी पर 25,000 देंगे प्रशासन के हिसाब से, बाकी और कोई घोषणा नहीं किया है। मैं नहीं मांग रहा, माँ पूरे यहाँ की जनता, मतलब जनता यहाँ की जनता या जनप्रतिनिधि लोग हमारे वार्ड के, उनका रिजे 50-50 लाख रुपया जो मृत परिवार को, तो एक और मृत मतलब एकदम घायल है, यानी 100 में 98% मतलब उसके नहीं बराबर है, 2% उसका हाँ के बराबर है, उसको भी उतना ही बोल रहे हैं, और जो एक लड़का घायल है उसके लिए 25 लाख रुपया। अधिकारियों तो मैंने पल्ला झाड़ दिया सर, यहाँ की विधायक जो करी वहाँ मर्सूरी में वो भी भगा गया, कोई जवाब ही नहीं दिया, बोलते विधायक बोलते मैं ऊपर में बात करूँगा तो मैं जो वह करूँगा बोलते हैं। हाँ, चक्का जाम सब आम जनता रखे थे, हटा दिए, क्या करूँ मैं तो भाई मृत परिवार हूँ, तो कितने दिन मेरा अपना ये सब पिकअप में कितने दिन रखूँगा मैं बॉडी को। मेरे हिसाब से तो सब पब्लिक है, आम जनता पब्लिक के मांग रही से होना रही पूरा सर, ये इसके सरकार के छलावा है, ये मतलब माइस मुसी करते सर, यही सरकार जो है ना भूपेश बघेल जो है ना 2-3 साल पहले
वहाँ उत्तर प्रदेश बिहार में यहाँ के पैसा ला, छत्तीसगढ़ के पैसा ला, 10-10 लाख रुपये, 50-50 लाख रुपया वहाँ एक्सीडेंट वाले को दिया था, पर लेकिन यहाँ के लिए उसके पैसा नहीं है। बोलते मैं छत्तीसगढ़ी हूँ, क्या छत्तीसगढ़ी है वो, उसके दी क्या छत्तीसगढ़ी है। यहाँ जब सांसद बनाया, मतलब राज्यसभा सांसद, उसी बिहार से लाया, बिहार से लाया, लेकिन यहाँ के कोई तो उसके लिए उसके लायक में राज्य सांसद सभा बनने के लिए नहीं था। मतलब बच्चे लोगों का अच्छे से इलाज होना चाहिए, हमको यही चाहिए, और तो मुआवजा जो बनता है वो भी मिलना चाहिए, और मतलब अच्छे से, मतलब यही चाहते हैं विधायक जी से कि अच्छे से इलाज करने के लिए थोड़ा सपोर्ट करें अस्पताल में, और बाकी तो सरकारी अस्पताल में एडमिट नहीं लिए सर। नहीं, हम लोग नहीं गए थे सर, बस हमारे घर के जो जेंट्स लोग वही गए थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।